सबसे पहले बात करते हैं आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो सीरीज शुरू हुई भी भी है वर्ल्ड कप से पहले इनके तीन मैचेस की सीरीज नहीं आ रही मकसद क्या है, यार? यार देखो, अगर आपके घर में एक है तो आपको पता है भाई होने वाली है एक हफ्ते बाद तो भाई भाई मतलब फायदा हासिल करना चाहते हैं इंडिया वालों को समझ नहीं आई कि यार ऑस्ट्रेलिया को बुला के उनको पहलने की क्या जरूरत थी आपका एक हफ्ते या डेढ़ वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और आपने सीरीज रख ऑस्ट्रेलिया को बुला के अपने मुल्क में पेलने के लिए उनको पेल पेल के बुरा करते हाल कर दिया और भाई छोटे छोटे ग्राउंड बनाए हुए साठ साठ मीटर के ग्राउंड पचपन पचपन मीटर के ग्राउंड और भाई उनको पेल पेल के बुरा हाल कर दिया तो भाई ओडिया नंबर वन बैट्समैन की रैंकिंग शुभमन गिल ने ले ली उसके बाद ओडीआई की रैंकिंग इंडिया ने पाकिस्तान से ले ली शुभमन गिल ने नंबर ऑफ मोस्ट रन इन ईयर बाबर आजम के जो से था वो तोड़ दिया भाई नंबर ऑफ़ सेंचुरीज इन अ सिंगल ईयर वो भी तोड़ दी नंबर ऑफ सिक्स इन अ सिंगल ईयर वो भी तोड़ दिया नंबर ऑफ इन अ सिंगल ईयर वो भी तोड़ दी भाई शुभमन गिल भाई मुझे बात बताया भाई तू तो रुकने का नाम कब लेगा भाई रुक जा भाई है यार इतने रिकॉर्ड कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो किसी के लिए छोड़ दे भाई मतलब कि पागल हुआ हुआ है यार इसको कोई रोकने वाला है नहीं है इसको कोई टोकने वाला है नहीं एक ही बंदा था भाई इसको रोकने वाला वो नसीम शाह हमारा था वो भी बेचारा इंजर्ड हो गया अब इसको कौन रोकेगा वर्ल्ड कप में यार इसने तो हर बॉलर को फेल फेल के बुरा हाल कर दिया मार मार के उनका

की टीम हमेशा वर्ल्ड कप से पहले जो इसकी जो सीरीज होती है ना उसमें हमेशा कुत्तों की तरह आती है हमेशा कुत्तों की तरह है लेकिन जब वर्ल्ड कप में ये टीम आती है ना इनका भाई अजीब ही कोई रंग होता है कोई नए किस्म के प्लेयर आए है होते हैं ये मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए होते हैं वर्ल्ड कप में लिया मेट करके रख देते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि यार मेंटली स्ट्रांग कैसे हैं इसी दफा भी मुझे लग रहा है यही हो रहा है कि भाई वर्ल्ड कप से पहले मेरी सीरीज नॉर्मल खेल रहे ईजी खेल रहे यार मारना है तो मार खुश हो जाओ और इंडिया वाले इसी को लेके भाई अपने मुल्क में जश्न मना रहे हैं भाई हमें ऑस्ट्रेलिया को पेल रहे हैं भाई हमने ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क कर दिया भाई

पे, सकता हूं और मैं इसको ऐसी पे बॉल वो एक रन भी नहीं बना सके मानते आसिफ भाई आप अच्छे बॉलर थे अपने वक्त के आप अपनी जब पीक में थे आप अनप्लेबेबल थे आपको कोई भी खेल नहीं सकता था लेकिन हर बंदे का एक अपना अहरा होता है हर बंदे का अपना टाइम होता है अभी जो एरा है भाई बाबर आजम का अरा है आप अगर उसका नाम ले लेके खुद को प्रमोशन देना चाहते हो अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हो कि भाई आ, मैं बाबर में तनकीद करूंगा तो भाई मैं मशहूर हो जाऊंगा लोग मेरे बारे में बात करना शुरू कर देंगे वो अलग बात है जिस मर्जी तरीके से करें बात लेकिन बात करना शुरू कर मैं तो बाबर के ऐसा देता हूं। देखता हूं। देते उसी को के, के अबू ने एक रिप्लाई दिया है आसिफ को के जो उसने कमेंट किये थे बाबर के बारे में उसके अबू कहते हैं भाई पाकिस्तान बाबर जब अंडर सिक्सटीन का वर्ल्ड कप खेल रहा कर आया डी पी एस मॉडल टाउन के ग्राउंड के साथ एक क्लब हुआ करता था स्कूल ऑफ क्रिकेट इस क्लब के साथ बाबर का क्लब का मैच हुआ दूसरी तरफ से इस वक्त मोहम्मद आसिफ कम की तैयारियाँ कर रहे थे आ, वो ये मैच खेलने बाबर ओपन करता था मोहम्मद आसिफ ने अटैक किया बाबर ने इस मैच में चरासी किया और मोहम्मद आसिफ ने ही इसे आउट किया खैर इनिंग्स ख़त्म हुई बाबर बड़ा दिल बर्दाश्त बाहर आया मेरे इस्तफार पर बोला कि आसिफ भाई ने बहुत बुरा भला कहा है मैंने इसको तसली दी और कहा कि मैन तुमने भी तो इनको ग्यारह चौके मारे हैं जट्टी वी की तरफ से खैर बात यहाँ ख़त्म हुई मोहतरम मंसूराना ने बाबर को खेलने खेलने में मदद की नेशनल अकेडमी में बाबर का ट्रायल हो रहा था तो मोहम्मद आसिम आए अभी ट्रायल शुरू ही हुआ था बाबर ने पैट किए हुए थे तो बड़ का आसिफ को सलाम किया वो बड़े खुशगवार मूड में बोले ओए छोटू किधर बाबर ने कहा आसिफ भाई बैंक के ट्रायल है इसी वक्त वो बैंक इंतजामिया के पास गए और बड़े सख्त लहजे से कहा कि इसका क्या ट्रायल ले रहे हो इसने मुझे मार मार के थका दिया था वाह और ग्यारह चौके मारे हैं लेकिन इसका नाम और बैंक में रखो ये तुम्हारे बड़े काम आए फिर वही जो बार बार लिखता हूँ सोलह uh, हज़ार जो पहली सैलरी मिली उसने बुनियाद रखी बाबर को मज़ीद आगे बढ़ने की uh, मोहतरम आसिफ साहब हर बंदे के अमाल uh, उसके हाथ वही जिम्मेदार अव्वल तो ये कि वक्त कभी आएगा नहीं कि अगर कभी आ भी गया तो बाबर इतराम की वजह से uh, आपका पूरा अवर मेडन खेल देगा आप आपकी बर्वक गवाही हमारे बड़े काम आई आवाम से दरखास्त है मोहम्मद आसिफ के बारे में uh, मोहम्मद आसिफ के बारे में बाबर के हवाले से कोई उल्टी सीधी बात ना करें। बड़ों से सुना है कि किसी की अच्छाई याद रखो और बुरे वक्त को भी दो इसी अमल से अच्छाई जिंदा रहती है पाकिस्तान जिंदाबाद यानी कि बाबर के सिम्पली कह दिया कि भाई आसिफ भाई तुम बेशक ट्रोल करो लेकिन तुम्हारा हम पे एक छोटा सा एहसान है उस एहसान को हम कभी भूलेंगे नहीं और एहसान की हम लाज रखते हुए तुम्हारे बारे में कभी बैड कमेंट्स नहीं करेंगे और लोगों को भी उसने सजेस्ट किया कि मोहम्मद आसिफ के बारे में बैड कमेंट्स नहीं करें इसी को लेते हुए मोहम्मद आसिफ ने एक और कमेंट्स भी किया उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी टीम के जो सब बॉलर है ना इस वक्त वो सब अंडर एवरेज हैं मतलब वो सब बेकार किस्म के बॉलर है उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है खास फैक्टर एक्स फैक्टर नहीं है

प्रेशर में डालो तो भाई वो एकदम ऐसा बन के निकलते हैं ना कि भाई सारी दुनिया को हैरान कर देते हैं इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस प्रेशर को ना पाकिस्तानी टीम ने पॉजिटिवली ले लेना है और उन्होंने दिखा देना है वर्ल्ड कप में कि भाई आ, हम पाकिस्तानी कहो मैं तो भाई इसी मैसेज के साथ आसिफ भाई आ, अपने इन कमेंट्स के बारे में रिव्यू करें दोबारा देखें उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला आ, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अगर मेरे चैनल पे पहली दफा आए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएगी कमेंट सेक्शन में वीडियो में अपनी राय जरूर देख जाइए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारा ख्याल रखिए